अरे कुछ तो देख लीजिए विकास, क्या विकास? एक मिनट वो कह रहे देखिए ऐसा है एक मिनट पहले जरा प्लीज सुनिए, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से सत्य से दूर है जिस प्रकार से ये लोग सत्य से दूर हैं। ये मैक्सस मॉल जहाँ जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, क्या भाजपा ने बनाया? भाजपा के काल में बना? जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पैदा किया? ये रोड जो यहाँ बनी है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई ये इलाका? एक मिनट प्लीज, किसकी सरकार? एक मिनट किसकी सरकार में बना? किसकी सरकार? ये सब कांग्रेस की सरकार में मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट हुआ। ये कांग्रेस की सरकार, मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट। आप लोग की भी तो सरकार थी हमारी, तो हमारी काम नहीं हुआ? किसमें? बहुत सारे काम हुए उद्धव और भाजपा की सरकार में। एम्स, काम नहीं हुआ? एम्स जैसी संस्था लाने का श्रेय किसको है इस देश में? एक मिनट, एम्स जैसा नाम एम्स जैसी संस्था, एक मिनट नहीं प्लीज दीजिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं एम्स की बात आपने की ना, एम्स जैसा नाम देने वाला और एम्स जैसी संस्था भारत में स्थापित करने वाला कौन है? ये तो फैक्ट है, कौन है? कांग्रेस है, ये लोग नहीं है। ये केवल नकल करते हैं। वो कह रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं। कौन बोला? वो कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं हम। अरे भाई संख्या बढ़ा रहे हैं। अरे भाई साहब एक मिनट, यही लोग, हेलो, यही लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने देश को लूट के कंगाल गरीब कर दिया था। भाजपा भारत को इस चीज में लाने में कांग्रेस और बोली बोली मैं कांग्रेसियों से एक बात ये पूछना चाहता हूँ। मैं ये कह रहे हैं विकास, ये हमारे समय में हुआ, ये इनके समय में। एक बात इनसे ये बताओ कि ये जब ये 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा, ये 130 सीट में तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या गद्दी करेंगे? सामने देखिए ना, मेट्रो बन रहा है, देखिए ये विकास नहीं है। वो देखिए सामने जय श्री राम का झंडा, जय श्री राम का झंडा दिख रहा है, वो विकास नहीं है। वो कह रहे हैं ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेट्रो किसने बनवाया है बताइए? ये मेट्रो विकास नहीं है भाई जी, ये विकास नहीं है। मेट्रो विकास हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है, है कि नहीं है मेट्रो विकास? लेकिन ये अभी तक मेट्रो बनी नहीं है। अच्छा। वो हमारे गांव के लोगों को ऐसा लटका के रखा है, उनको क्या ये था, उनको मेट्रो आप ही के पार्टनर है, बोले दीजिए, कार्डशीट बनाने के लिए लटका के रखा है, बोले इलेक्शन होने के बाद देखेंगे। उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस? ये तो झांसा है मेट्रो, ये झांसा है, ये मेट्रो आज झांसा है, मेट्रो झांसा है, मेट्रो झांसा नहीं है, विकास है, विकास है, विकास। ये सामने खड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको झांसा दिख रहा है, अगर ये 50 साल का झांसा है ये, तो इन्होंने अपनी सत्ता में क्या किया? विकास नहीं, ये विकास है। 7 साल झांसा दिया है हमारे मोदी जी ने, 10 सालों में देश का डेवलपमेंट विकास करके दिखा दिया। राज्य में बैलगाड़ी चलती थी, करोड़ लोगों को। रुकिए हाँ आ रहा हूँ एक बात तो है कि बीजेपी जो दावा करती है 2014 चलिए 19 में रिपोर्ट कार्ड दिया प्रधानमंत्री ने, जो भी दिया जनता के देश के सामने दिया, देश ने उस पर मोहर लगाया, दोबारा चुना, ये क्यों? ये लोगों को गुमराह करते हैं। आज तक का विश्व का रिकॉर्ड रहेगा। आरोप हुआ ना गुमराह? आरोप नहीं हुआ, मोदी ने तो फैसला दिया। ये झूठ बोलते हैं, ये तो अगर आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर लोगों को फंसाते हैं। जितने भी कांग्रेस ने योजनाएं लाई, आप मेट्रो की बात करेंगे तो कांग्रेस ने शुरुआत की हुई है, और मेट्रो 2022 में भाईंदर में आने वाली। अगर विकास हुआ है, विकास हुआ है, तो इन लोगों को जितने भी खड़े बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको खाली इतना पूछे कि 5 एम्स के नाम गिनवाए जो इन्होंने बताए। पूछिए नाम पूछिए। मिश्रा जी आप ये बताइए कि मुंबई में महाराष्ट्र में मेट्रो किसने लाया? कांग्रेस की सरकारों में आई। और सुनिए, आप बोलते ना कि मीरा भाईंदर आ गई कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, शिवसेना के नेतृत्व में, यहाँ सरकार आने दीजिए, गली गली में, मीरा भाईंदर नहीं, गांव गांव में हम लोग मेट्रो दौड़ाएंगे। ठीक है देखिए, ये एक बहस जरूर है, किसी को विकास दिखता है किसी को नहीं दिखता है, तो ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो जरा जल्दी से हम एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि समय कम है हमारे पास, कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होने वाला है, ये एक सवाल है। राहुल गांधी। सर इधर से बीजेपी के कार्यकर्ता है, आम जनता को पूछे, राहुल गांधी ही नाम आने वाला है। मोदी।
प्रधानमंत्री। देखिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास केवल एक कैंडिडेट है, सुनिए, और हमारे इंडिया गठबंधन के बाद अगला प्रधानमंत्री। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सांसद फाइनल करते हैं। सांसद चुनेगा अगला प्रधानमंत्री, तो आपने कह दिया मोदी, जनता चुनेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमारे पास समय इतना ही था, माफी चाहूंगा, समय इतना ही था। सीधे स्टूडियो में चलना होगा और खबरें इंतजार कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।